एक बहुत बुरी खबर निकल कर आ रही है। जैसा कि कल हमने आपको इंटरव्यू दिखाया था, इस वीडियो के एंड में वो इंटरव्यू आपको फिर से दिखाएंगे। कल जो एक पेशेंट शक्करदरा हादसे में घायल एक पेशेंट इलियास अंसारी मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती थे, अभी अभी खबर आ रही है कि उनकी डेथ हो चुकी है, उनका इंतकाल हो चुका है, उनकी मौत हो चुकी है। क्या एक लापरवाह ड्राइवर, क्या सिर्फ उसे जेल भेजने से और दो दिन में उसकी बेल होने से ये मामला खत्म हो जाएगा? ये लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है व्यूअर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, और इसलिए आपको और हमको सामने ये मांग रखने की जरूरत है कि एक इंसान लापरवाही से 15-16 लोगों को घायल कर देता है, 5-10 लोगों को मौत के घाट उतार देता है, और क्या उस इंसान की सिर्फ 2-3 दिन में बेल हो जाएगी? ये बहुत गौर करने का और सोचने का विषय है, मुद्दा है, ऐसा है कि सभी के हार्ट को ये टच करता है, क्योंकि आपके और हमारे सभी के लोग, हम खुद रोडों पर जाते हैं और हम खुद गाड़ियां चलाते हैं। अगर किसी ऐसे लापरवाह नशोड़ी शराबी शख्स ने अगर आपके और हमारे घर वालों को या हमको एक्सीडेंट में मार दिया तो आप पर और हम पर क्या बीतेंगी? तो व्यूअर्स, ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। आप जहां पर भी हो वहीं से आप महाराष्ट्र के गृह मंत्री को कांटेक्ट कीजिए, नागपुर के पुलिस कमिश्नर को कांटेक्ट कीजिए, शक्करदरा पुलिस स्टेशन के PI को कांटेक्ट कीजिए और उनसे गुहार लगाइए कि एक नॉर्मल कलम लगाकर आप इतने बड़े आरोपी को कैसे जेल पास कर सकते हो? अगर सिर्फ एक एक्सीडेंट की कलम लगेंगी व्यूअर्स, तो 1-2 दिन में उसकी बेल हो जाएंगी सेंट्रल जेल से। आज 5-10 लोग इस दुनिया में नहीं रहे। परफेक्ट आंकड़ा हम आपको इसीलिए नहीं बता रहे हैं कि किसी ने मेवा में दम तोड़ा है, किसी ने मेडिकल में दम तोड़ा है, किसी ने स्पॉट पर दम तोड़ा है। और सबसे बड़ी बात, दो मासूम बच्चे, एक 11 साल का, एक 6 साल का, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिन्होंने इस दुनिया को देखा भी नहीं था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और एक 4 साल का बच्चा घायल अपनी माँ के पास पड़ा है, उसकी माँ भी घायल है। इतना भयंकर एक्सीडेंट करने के बाद में अगर कोई आरोपी 1-2 दिन में जेल से छूट जाएगा, तो ये सरासर तमाम पूरी आम जनता के लिए नाइंसाफी की बात है। इसीलिए आप लोगों को आगे आकर इस वीडियो को शेयर करना और इंसाफ